तो हेलो दोस्तों, अबे नंगे कपड़े तो डाल ले। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी और नई वीडियो में। कैसे हैं आप देख रहे हैं थिंक टॉक्स और ये है मेरी वीडियो इट्स फन टाइम। और इट्स फन टाइम वीडियो में आज है हमारे साथ बॉलीवुड के बहुत ही पर्सनैलिटी वाले सुपरस्टार। अरे सिर्फ बॉलीवुड की नहीं, पूरी दुनिया के पर्सनैलिटी वाले सुपरस्टार। सारी लड़कियां मरती है जिन पे। बी ब्लॉकबस्टर सुपरस्टार ऋतिक रोशन। सर जी इधर भी यार। हाँ ओके ओके, हाय 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 हाय। हाँ तो ऋतिक रोशन सर जी, क्या हाल चाल है आपके? मैं तो बढ़िया, लेकिन तुम कौन हो? अरे सर जी मुझे नहीं पहचाना। अरे मैं यतीन जो आज आपका इंटरव्यू लेगा। अच्छा तू लेगा, चल यार कोई बात नहीं, ले ले। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम ये इंटरव्यू। हाँ तो ऋतिक रोशन सर जी, मेरा आपसे पहले सवाल पहला सवाल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दुनिया पे एक बहुत बड़ी आपदा आई हुई कोरोना काल के नाम से, तो ठीक है, तो आप इस टाइम को क्या कहना चाहेंगे? अरे क्रेजी, सस्ता नशा करके आया है। अरे इस टाइम को कोरोना काल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन को छोड़िए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ऋतिक सर जी, अब मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है, सवाल ये है कि जैसे कि आपकी पिछली पिक्चर वॉर द सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर गई जिसने ताबड़तोड़ कमाई करी है, तो अब आपका आगे का क्या प्लान है? जारी बात है, आप मेरे से इसी वीडियो में बुलवा ले। चल कोई बात नहीं, मैं तब भी बता देता हूँ। वैसे तो मेरा कोई आगे ऑफिशियली प्लान है नहीं। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने जाऊँ, लेकिन यार मेरे को ये अक्षय को टक्कर देनी है यार, बहुत ज्यादा पिछड़े कर रहा है आजकल। सोच रहा हूँ आगे मैं भी 2-4, 3-4 भाई ब्लॉकबस्टर दे के अक्षय को टक्कर दूं। ये बात हुई ना सर जी, अब देवा ऋतिक रोशन ब्लॉकबस्टर पिक्चर है, ये। हाँ तो ऋतिक सर जी, अब मेरा सिर्फ तीसरा और आखिरी सवाल आपसे। You called me only for asking 3 questions. Oh God, you wasted my time, bro. नहीं नहीं सर जी, पीछे वालों ने मेरे को सिर्फ 3 question लिख के दिए और मैंने वो पूछ लिए। तो सर जी मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपने अभी इतनी बड़ी पिक्चर करी है, वॉर पिक्चर करी है, तो कैसा आपका उस वॉर पिक्चर का एक्सपीरियंस रहा? और आपने टाइगर श्रॉफ के साथ भी ये पिक्चर करी है, तो टाइगर श्रॉफ के साथ भी आपका ये कैसा एक्सपीरियंस रहा ये पिक्चर करते हुए? एक ही क्वेश्चन में 2 question पूछ लिए, वाह बहुत ही बढ़िया। अरे सर जी भगवान की कृपा है मेरे पे तो ऐसे। यार वॉर पिक्चर का तो मेरा एक्सपीरियंस हुआ सबसे बेस्ट रहा, इतना बढ़िया डायरेक्टर थे और इतना बढ़िया प्रोडक्शन हाउस था और बहुत सारे सपोर्टिव लोग थे मेरे साथ। और बात रहे टाइगर श्रॉफ की, भाई वो तो सबसे बेस्ट को एक्टर था मेरे साथ, मजा आ गया उसके साथ काम करके। बस थोड़ी दिक्कत वहां होती थी, बस टाइगर श्रॉफ उड़ता बहुत है, इसको बीच बीच में पकड़ के नीचे लाना पड़ता है, बहुत बार नीचे लेकर आया हूं मैं। बाकी तो भाई को एक्टर तो इतना जबरदस्त है और एक्टर भी बहुत बढ़िया, मुझे तो मजा आ गया भाई टाइगर श्रॉफ के साथ काम करके। मेरी तो विश है आगे भी भाई इसके साथ 3-4 picture में मार ही दूं, मजा आ जाएगा मेरे को। अच्छा अरे वाह सर जी, कभी हो तो मुझे भी अपने साथ थोड़ा पिक्चरों में चांस दे देना, गरीब की दुआ लगेगी सर आपको। हाँ हाँ ठीक है देखेंगे। हाँ तो ऋतिक रोशन सर जी, मैं बहुत ही भाग्यशाली आदमी हूँ कि आप मेरे इस इंटरव्यू में आए और आपने मेरे इस इंटरव्यू में 4-4 chance लगा दिए। 4-4 chance? अबे मैंने तो 1 भी chance नहीं लगाया। नहीं सर वो थोड़ी कहावत गलत होगी, सिर्फ 4 chance, थोड़ा मुहावरा था ना गलत हो गया। अबे यार तू फिर से टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा। हाँ सॉरी सर। हाँ तो दोस्तों अब हमारे ऋतिक रोशन सर को दूसरी जगह भी जाना है इंटरव्यू के लिए, तो चलिए साथ मिलकर उनको टाटा बाय बाय करें। बाय। तो दोस्तों ये तो छोटा सा फनी इंटरव्यू जो मैंने बनाया, अगर मेरी इस वीडियो से किसी को बुरा लगाओ या किसी ऋतिक रोशन की डाई हार्टेड फैन को मेरी इस वीडियो से बुरा लगाओ तो बुरा मानने की इसमें कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ ये वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस से बनाई थी, किसी की बुराई करने के लिए नहीं, ना किसी की बेइज्जती करने के लिए।
तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि मैं कोई आगे इंटरेस्टिंग वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन किसके पास आए, आप ही के पास तो आए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, टाटा गुड बाय एंड टेक केयर।